हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स, यानी कि 26 जनवरी के करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। या फिर आप, अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @currentaffairsbyravi लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर्स का पर्सनल ग्रुप बना है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर आप @shriEducation भी लिख कर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 25 जनवरी के जब करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। बट टेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी वहां पर गिवन है, वहां से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो कल जो आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था वो था कि भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है SK सैनी। ए ऑप्शन आपका सही है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, ये जो दिन है ये हाल ही में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन आपका सही है। और जो नेशनल वोटर्स डे है ना, ये हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। सबसे पहले अगर ये दिन 2020 में मनाया गया तो इसका थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस साल का थीम है इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है, थीम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ये 2020 का थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। उसके बाद मैं आपको उद्देश्य बताऊंगी कि ये जो दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये क्यों मनाया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि युवाओं को मतदान के प्रति यानी कि वोट देने के लिए उन्हें जागरूक किया जा सके, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दिन है ये 25 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, ये पहली बार 2011 में सेलिब्रेट किया गया था। और इसे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में हमारा जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है नेशनल वोटर्स डे, ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस साल यानी कि 2020 में ये भी आपको बता दूं कि इसका 61st एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड। ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, प्लस इसका थीम, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जनवरी के मंथ में और भी जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो रिपीट कर देती हूँ, पर उससे पहले एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए जनवरी के मंथ में वो रिपीट करने जा रही है, नोट कर लीजिए। साथ में इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, आपको बताया गया है थीम, ठीक है। तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया गया है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद 24 जनवरी, कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो 24 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं, पहला है बालिका दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं जनवरी के मंथ में जो कि आपको नोट करने हैं। और आज का अगला और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भाजपा यानी कि BJP भारतीय जनता पार्टी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है JP नड्डा। डी ऑप्शन आपका सही है।
जेपी नड्डा को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले अध्यक्ष थे अमित शाह। अमित शाह की जगह ली है जेपी नड्डा ने। अमित शाह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। और भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हाल ही में 2020 में? तो उनका नाम है जेपी नड्डा। ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेपी नड्डा का। और आज का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में ये इंडेक्सिंग जारी हुई है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है ये 80 रैंक है। ए ऑप्शन आपका सही है, 80वें स्थान पर है भारत। टोटल आपको बता दूं कि 180 कंट्रीज की रैंकिंग हुई थी, ठीक है। और ये रैंकिंग किस बेसिस पे हुई थी ये आपको सबसे पहले तो समझना होगा। आपको बता दूं कि 180 देश इस रैंकिंग में शामिल थे, इस इंडेक्सिंग में शामिल थे, और पहले एक से लेकर 100 तक इन्हें नंबर प्रोवाइड किए गए थे। जैसे 100 में से मार्क्स मिलते हैं ना, वैसे ही इन सब देशों को मार्क्स मिले थे 100 में से। और जिस कंट्री को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे, यानी कि जिस कंट्री को सबसे अधिक नंबर मिले थे उसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है, और जिससे उसे कम मार्क्स मिले थे उसे सेकेंड रैंकिंग मिली है, और जिसे सबसे कम मार्क्स मिले उसे लास्ट रैंकिंग मिली है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट रैंक पे एक कंट्री होगी वो कंट्री सबसे कम भ्रष्टाचार है, और जो लास्ट रैंकिंग पे कंट्री होगी वो सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो 80th रैंक भारत को मिला है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्रीज है वो भी बता देते हैं। तो फर्स्ट रैंक डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, ठीक है। कौन सी कंट्रीज है फर्स्ट रैंक पे? डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये आपको नोट करना है। यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार देश कौन सा है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और इसके बाद आपको भारत की रैंकिंग पता लग गई, यहाँ पर आपको पाकिस्तान की रैंकिंग भी बता देते। तो पाकिस्तान 120वें स्थान पर है, 120वां स्थान, 180 में से 120वें स्थान पर है पाकिस्तान, ये आपको नोट करना है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये एक कंपनी है जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी इंडेक्सिंग जारी करता है टाइम टू टाइम। अब ये जो इंडेक्सिंग है इसे क्यों जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार का पता लगाया जा सके, और उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा सके, इसीलिए इंडेक्सिंग जारी की गई थी। यहाँ पर आपको फर्स्ट रैंकिंग याद रखनी है, इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, प्लस हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसकी रैंकिंग नोट करनी है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उनके बारे में भी याद रखना है आपको। और आज का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो हस्ताक्षर किए गए ये क्यों किए गए हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, और एक योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन दोनों योजनाओं के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और ये जो दोनों ही योजनाएं हैं ये इम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए ये योजनाएं शुरू की गई थी। और इस योजना को बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, इस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स थे, ठीक है। और हेडक्वार्टर भी पता नहीं, तो इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में है, ये आपको नोट करना है। और उसका CEO का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो CEO है सुसान डेसमंड हेलम, ठीक है। कौन है CEO? सुसान डेसमंड हेलमन, ठीक है, ये नोट करना है। CEO का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। योजनाओं के नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये दोनों योजनाओं के नाम याद रखने हैं आपको। और आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पर्व 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो भारत पर्व 2020 जो है इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, डी ऑप्शन आपका सही है। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो नई दिल्ली के लाल किले में इस पर्व को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो भारत पर्व 2020 से क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो
लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए और हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस भारत पर्व को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नई दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, ये नोट करना है आपको। और किस मंत्रालय के द्वारा ये पर्व ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हमारे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस पर्व को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर हमारे पर्यटन मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको नोट करना होगा, तो उनका नाम है प्रहलाद सिंह पाटिल, ठीक है, क्या नाम है उनका? प्रहलाद सिंह पटेल। और जब भी दिल्ली का नाम आता है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो कि आपको नोट करनी है। जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस डिजिटल भुगतान वॉलेट के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया? तो हाल ही में आरबीआई ने वोडाफोन एम पैसा, बी ऑप्शन आपका सही है, ये डिजिटल पेमेंट कंपनी थी वोडाफोन एम पैसा, इसके सर्टिफिकेट को हाल ही में आरबीआई ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया ये भी बता देती हूँ। तो वोडाफोन एम पैसा कंपनी खुद ही अपनी कंपनी को बंद करना चाहती है। तो जब ये कंपनी शुरू करते तो उन्हें आरबीआई के द्वारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, तो अब कंपनी बंद हो रही, तो इसीलिए आरबीआई ने इनके सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया, ये आपको नोट करना है। अब यहाँ पर आपको वोडाफोन एम पैसा के बारे में पता होना चाहिए प्लस आरबीआई के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले नोट कीजिए वोडाफोन एम पैसा के बारे में। तो देखिए, इस कंपनी की जो स्थापना है ये 2014 में हुई थी, 13 सितंबर 2014 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी वोडाफोन एम पैसा की, और इसका जो हेडक्वार्टर था ना ये मुंबई में था। अब दूसरा आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई फुल फॉर्म है इसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई है, और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है महाराष्ट्र के अंदर। और आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, क्या नाम है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आरबीआई प्लस वोडाफोन एम पैसा से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में कौन सा देश ग्रुप 77 का नया अध्यक्ष बना है? तो उस देश का नाम है गुआना, डी ऑप्शन आपका सही है, गुआना देश हाल ही में ग्रुप 77 का नया अध्यक्ष बना है 2020 में। गुआना देश से पहले कौन अध्यक्ष था इसका ग्रुप 77 का? तो इनसे पहले था फिलिस्तीन, फिलिस्तीन देश के बाद गुआना देश को ग्रुप 77 का नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ग्रुप 77 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ग्रुप 77 इसकी स्थापना देखिए 1964 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में, ये आपको नोट करना है ग्रुप 77 के बारे में। गुआना देश कहाँ पर है ये आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर गुआना, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुआनीज डॉलर, और प्रेसिडेंट का नाम है डेविड ए ग्रेगर, और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नोट करना है, तो प्राइम मिनिस्टर है मोसेस वी मैगम्टो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गुआना कंट्री के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये हाल ही में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, बी ऑप्शन आपका सही है। 25 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए, पहला अभी मैंने आपको पढ़ाया नेशनल वोटर्स डे प्लस दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये दोनों नोट कर लें आपको। उद्देश्य बता देती हूँ कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में, हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमी में पर्यटन का क्या महत्व है, पर्यटन टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या योगदान है, इस चीज को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को, ठीक है, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। और जनवरी के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे वो मैंने आपको बता ही दिए, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। और अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉब बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने उनका नाम है संजीव चड्ढा, ए ऑप्शन आपका सही है। संजीव चड्ढा का नाम आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता देती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1908 में हुई है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर गुजरात में है, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन का नाम याद रखना है, तो चेयरमैन है हसमुख अधिया, कौन है चेयरमैन? हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है। और एमडी और सीईओ का नाम मैंने बता दिया, संजीव चड्ढा एमडी और सीईओ नए बने हैं। और यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले एक और करंट पे पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि कैनरा बैंक के भी नए एमडी और सीईओ बने हैं, तो उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एक और नाम आपको याद रखना है अतनु कुमार दास का, अतनु कुमार दास हाल ही में बीओआई बैंक ऑफ इंडिया के
नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ये तीनों बैंक्स के नाम याद रखने हैं प्लस इनके सीईओ और एमडी के नाम भी याद रखने हैं। और बॉब बैंक के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, इससे पहले मैंने कैनरा बैंक के बारे में आपको बताया था पूरी डिटेल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। तो शहर का नाम है श्रीनगर, डी ऑप्शन आपका सही है, श्रीनगर आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और श्रीनगर को हाल ही में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। और आपको बता दूं कि 45th शहर बन गया है श्रीनगर जो कि खुले में शौच मुक्त बना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर श्रीनगर आपको पता ही है जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था ना कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट्स जो है वो लद्दाख है और कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर है। तो कैपिटल है श्रीनगर, याद रखना है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, इनका नाम याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा सीटें 6, राज्यसभा सीटें 4, विधानसभा सीटें 87 है। फोक डांस है धूमल और कूट डांस, और नेशनल पार्क है द चिंगम नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। और आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो शहर का नाम है नई दिल्ली, सी ऑप्शन आपका सही है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। कौन से हवाई अड्डे पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो सेवा का नाम आपको याद रखना है, तो सेवा का नाम है वुमेन विद व्हीकल। क्या नाम है सेवा का? वुमेन विद व्हीकल, ठीक है। और ये जो टैक्सी सेवा शुरू की गई ना, ये सखा कंसल्टिंग विंग्स के द्वारा शुरू की गई है, कंपनी है सखा कंसल्टिंग विंग्स। ये जो कंपनी है ना, ये टैक्सी सेवा प्रोवाइड करती है, और ये इनकी जो टैक्सी सेवा प्रोवाइड की जाती है ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होती है, और इनकी जो ड्राइवर होते हैं वो भी महिलाएं ही होती हैं, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और सखा कंसल्टिंग विंग्स, इनके सीईओ का नाम याद रखना है, तो उनका नाम है अरविंद वडेरा। क्या नाम है? अरविंद वडेरा, नाम आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। और दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट बात, चीफ मिनिस्टर का नाम अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये आपको याद रखना कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कई कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स यानी कि 26 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, बट टेस्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने, इन चार ऑप्शन में से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, प्लस आपको बॉब बैंक और BOI के एमडी और सीईओ कौन बने वो भी बताना है, और कैनरा बैंक के बारे में पूरी डिटेल बतानी है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।